इससे पहले भी जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें बात की थी हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो वेव फंक्शन है उसका हमने किया था बच्चों नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर बच्चों हमें हम निकालेंगे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखेंगे जो वेव फंक्शन आएँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, तो उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू या कहें एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहें या फिर कहें एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट वहाँ पर निकल कर आया था बच्चों। तो शोडिंगर वेव इक्वेशन बच्चों ये हो गए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D बॉक्स के, 1D के लिए बच्चों। तो यहाँ पर ये हमने जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट माने थे काइज कर्व वेरिएबल अल्फा एक्स और अल्फा जो है ये कंसिडर किया था, तो इसको सोल्व करके बच्चों ये वेव फंक्शन आया हमारा, जिसमें यहाँ पर हर्मिट पोलिनोमियल्स हैं ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पार्ट है, एक हर्मिट पोलिनोमियल है और ये बच्चों हमारा क्या है नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट। यहाँ पर निकल करके ये वैल्यू जो प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट हो गया, हर्मिट पोलिनोमियल्स हो गए जिनकी वैल्यू हर्मिट पोलिनोमियल्स की वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है इधर हर्मिट पोलिनोमियल की और एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो इसका जो वेव फंक्शन है साई जीरो साई वन साई टू, तो बच्चों ये एक जनरल वेव फंक्शन हो गया। अगर एन इक्वल टू जीरो रख दें एव इक्वेशन में हम, तो हमारे लिए जो ग्राउंड स्टेट है ये क्या है साई जीरो ग्राउंड स्टेट हो गई, उसका वेव फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एन इक्वल टू जीरो रख दिया है और जीरो फैक्टोरियल की पावर हाफ एच जीरो, एच जीरो की वैल्यू कितनी है बच्चों हर्मिट पॉलीनोमियल की 1 है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या रख दी है 1 रख दी है और इसको सॉल्व किया है जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कितना हो गया की पावर हाफ अल्फा पाउंड स्क्वायर रूट की पावर हाफ हर्मिट पॉलीनोमियल है 1 ई की पावर में आ गया। तो बच्चों ये वेव फंक्शन हो गया इसके लिए। ऐसे अगर एन इक्वल टू 1 ऊपर वाले इक्वेशन में रखा है तो बच्चों ये वेव फंक्शन हमारा निकल कर आ गया साई 1, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर तो आ गया ये और हर्मिट पॉलीनोमियल यहाँ पर साई 2 साई 1 निकाले हैं, तो बच्चों हर्मिट पॉलीनोमियल 2 साई आ गया ये, इसकी वैल्यू हर्मिट पॉलीनोमियल की यहाँ से और ई की पावर एक्सपोनेंशियल पार्ट तो वो है ही। ऐसे साई टू वेव फंक्शन बच्चों इस एनर्जी स्टेट का साई 2, तो बच्चों ये आ गया। हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये वेव फंक्शंस हो गए बच्चों इनकी एनर्जी स्टेट के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों हमें निकालनी एवरेज वैल्यू, उससे पहले इंटीग्रेशन देख लेते हैं। एवरेज वैल्यू निकालने कुछ इंटीग्रेशन की नीड होगी, तो इस तरह का बच्चों ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन ई की पावर समथिंग कॉन्स्टेंट बीटा एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन है माइन कोई भी इंटीग्रेशन बच्चों इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, अगर ये फंक्शन बच्चों क्या होता है अगर ओड फंक्शन हो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों एडिशन, और ये ओड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होता है। अगर वे फंक्शन बच्चों यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोई भी और फंक्शन जो है बच्चों कैसा है यहाँ पर ओड फंक्शन हो, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, ये ध्यान का लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन इसे करना नहीं पड़ेगा आगे एवरेज वैल्यू में, क्योंकि जो ओड अगर फंक्शंस हो रहे होंगे हो तो वो उनकी वैल्यू क्या हो रही होगी इंटीग्रेशन की जीरो। तो यहाँ पे बच्चों ओड और इवन एक बार समझ लेते हैं ओपन। तो जैसे बच्चों अगर यहाँ जो मिड पॉइंट देखोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, अगर इसकी वैल्यू जो है माइन इधर है प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स, तो अगर वेव फंक्शन की नेचर चेंज ना हो मतलब साई एक्स इज इक्वल टू हो साई माइनस एक्स, एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट कर दे तो वेव फंक्शन क्या कहलाएगा ये इवन फंक्शन है। ओड फंक्शन अगर साई एक्स की जगह पर हमने पुट किया माइनस एक्स तो आगे माइनस आ जाए, यहाँ पर देख लेंगे किस तरह से कहने का मतलब क्या, तो फंक्शन क्या कहलाएगा बच्चों ओड फंक्शन वो कहलाएगा। जैसे पहला वेव फंक्शन जो है बच्चों इधर को प्लस एक्स की हमने क्या किया इधर को माइनस एक्स पुट किया तो वेव फंक्शन पॉजिटिव ही रहा, तो ये जो कैसा वेव फंक्शन है सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, और कहने का मतलब ये कैसा है बच्चों इवन वेव फंक्शन है, इसकी जो माइनस चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वेव फंक्शन अगर साई वन देखोगे तो ओड वेव फंक्शन है, अगर आप प्लस एक्स जा रहे हो तो निगेटिव है, लेकिन इधर अगर जा रहे हो वेव फंक्शन तो पॉजिटिव हो गया, मतलब साइन चेंज हो गया वेव का। तो पहला वेव फंक्शन कैसा है बच्चों ये ओड वेव फंक्शन है, नीचे वैल्यू पुट करके भी देखेंगे हम, लेकिन यहाँ इसकी वेव की नेचर से पता चला है ये जो नोड है नोड से इधर पॉजिटिव है तो नोड के इधर निगेटिव है, मतलब एसिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया, ये एसिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया। पहला वेव फंक्शन कैसा है सिमेट्रिक है। थर्ड वेव फंक्शन देखेंगे तो बच्चों यहाँ मिड बाय इक्विलिब्रियम से इधर जा रहे हैं, जैसा इधर है वैसा ही ये वेव फंक्शन इधर भी है, तो इसकी वैल्यू पुट करने पर सेम रहेगी, क्या निकालना ये इवन वेव फंक्शन है। और अगर ऊपर वाला इक्विलिब्रियम से इधर देखोगे तो भी बच्चों जैसा इधर है और इधर क्या है ये ओड हो गया, तो पहला वाला इवन था ओड इवन ओड, इस तरह से वेव फंक्शन बच्चों इसके चलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों जैसे साई जीरो है, साई जीरो वाला इवन वेव फंक्शन है,
कैसे पता चला? अगर काई की जगह, जैसे हमने यहाँ वेरिएबल काई ले रखा है, काई की जगह आप पुट करो माइनस काई, तो क्योंकि ये इसका स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेव फंक्शन की नेचर चेंज नहीं होगी, काई का स्क्वायर होगा। अगर काई की जगह माइनस काई पुट करोगे तो माइनस का स्क्वायर है तो वेव फंक्शन वही रहा, तो ये वेव फंक्शन कैसा हो गया? इवन वेव फंक्शन हो गया। ये हमने यहाँ पे वेव फंक्शन बोले यहाँ पर भी देख लिया ग्राफ में भी। ऐसे बच्चों अगर साई वन देखोगे तो यहाँ से ओड है, क्योंकि इसकी नेचर तो हमेशा क्या बना हुआ है, ये वाला पार्ट तो इवन बना हुआ है, लेकिन काई माइनस काई रखेंगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये ओड वेव फंक्शन हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन में देख सकते हैं, एफ एक्स की जगह अगर हम पुट करें कि एफ माइनस एक्स करें तो वहाँ पर अगर माइनस साइन आ जाता है तो इसका मतलब क्या? ओड है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा साई जीरो क्या था बच्चों, चेंज करने पर साइन चेंज नहीं हो रहा, तो कैसा फंक्शन है? वो इवन है। और साई वन क्या है बच्चों? ओड फंक्शन है। तो आके इंटीग्रेशन में इजी बना देगी ये, जिस समय जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर जो यूज़ होगा ये है एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर ये बच्चों ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जीरो होगा। अगर बच्चों इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस फार्मूले से ये कहलाता है गामा फंक्शन, गामा एन प्लस वन बाई टू बीटा की पावर, बीटा जो यहाँ पर लिखा है एन प्लस वन बाई टू हम यूज़ करेंगे तो ये याद हो जाएगा। गामा वन बाई टू का मीनिंग यहाँ पे स्क्वायर रूट पाई है, गामा थ्री बाई टू को माइनस वन कर दो, वहाँ से स्टार्ट होती है वन बाई टू इंटू स्क्वायर रूट पाई। ऐसी गामा फाइव बाई टू है तो उसकी वैल्यू थ्री बाई टू वन बाई टू स्क्वायर रूट पाई, गामा सेवन बाई टू है तो फाइव बाई टू थ्री बाई टू वन बाई टू स्क्वायर रूट पाई। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ये एक तो आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख लेना है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जैसे एक्स की हमें बच्चों निकाली है तो क्या होगा? लिमिट सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए बच्चों लिमिट क्या चल रही है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चल रही है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इंटू बच्चों इसका ऑपरेटर रहता है, जो भी ऑपरेटर जैसे कि एक्स निकाल रहे हैं उसका, इंटू साई। तो यहाँ पर बच्चों साई एन जो है कोई भी वेव फंक्शन होगा, देखो यहाँ पर एक्स का ऑपरेटर क्या है बच्चों? एक्स ही है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्टार एक्स इंटू साई डी एक्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये बच्चों जो भी हम एन की वैल्यू चाहे वन लें चाहे टू लें, या तो ये दोनों क्या होंगे? इवन इवन फंक्शन है, इवन इवन होंगी, या फिर ये दोनों क्या हो सकते हैं? ओड ओड फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि ओड ओड और ये एक्स जो है बच्चों ओड फंक्शन है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे ओड इंटू ओड बनेगा इवन, और इवन की फर्दर मल्टीप्लाई ओड से, तो फर्दर फंक्शन जो बनने जा रहा है हमारा क्या बनने जा रहा है? ओड ही फंक्शन बनने जा रहा है। या फिर इवन इवन की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इवन हो जाती है, लेकिन एक्स जो है हमारा कैसा फंक्शन है? ये तो ओड फंक्शन ही है। अगर ये दोनों सपोज इवन है, इवन इवन फंक्शन क्योंकि सेम वेव फंक्शन है, तब ये फंक्शन क्या आने वाला है? ओड फंक्शन आने वाला है। तो साई एन इन जनरल कोई सा भी वेव फंक्शन यहाँ से हम लें, अगर साई जीरो लेंगे तो बच्चों कैसा था? इवन फंक्शन था। साई वन का अगर एवरेज वैल्यू निकालना जा रहे हैं तो कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है, जो कि हमने यहाँ से देखा। या फिर नेक्स्ट वाला वेव फंक्शन ले रहे हैं, इवन ले रहे हैं, तो कहीं भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें तो चाहे तो इवन इवन फंक्शन होंगे, चाहे वो ओड ओड फंक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किससे हो रही है? ओड फंक्शन से हो रही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर माइनस एक्स पुट करेंगे ऑब्वियस सी बात है माइनस एक्स आएगा, तो एक्स तो ओड फंक्शन ही है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ टोटल जो वेव फंक्शन बन रहा है इस इंटीग्रेशन के अंदर ओड फंक्शन बन रहा है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए एक्स की क्या आएगी? हमेशा जीरो आएगी, क्योंकि जैसा कि हमने अभी बात की है अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है कि, और एफ एक्स जो बच्चों अगर क्या है? ओड फंक्शन है ये, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है? जीरो होता है। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन को निकालने की नीड ही नहीं है, एवरेज जो है बच्चों एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स की इतनी आती है, जीरो आती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर इसका क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी? साई एन ऑपरेटर पी एक्स और साई एन डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर जो हम वेव फंक्शन सकते हैं वो नॉर्मलाइज सकते हैं, और लिमिट सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स है बच्चों। और यहाँ पर जो ऑपरेटर लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर जो होता है बच्चों माइनस आई एच का डेल अपॉन डेल एक्स है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, तो कॉन्स्टेंट मैंने बच्चों बाहर ले लिया, माइनस आई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन
हो गया भाई जो डेल अपॉन डेल एक्स और जो फंक्शन साई एन डी एक्स। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है डेल अपॉन डेल एक्स जो है अगर ओ इवन फंक्शन है सपोज एक्स स्क्वायर है तो क्या कर देता है ये 2x कर देता है, मतलब अगर यहाँ पर इवन फंक्शन होगा तो उसको ओड में कन्वर्ट कर देता है। अगर सपोज डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर क्यू के है जो ओड फंक्शन है क्योंकि पावर जो ओड है रिप्लेस करोगे एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स क्यू आएगा, तो इसलिए एक्स थ्री क्या ओड फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर ओड पावर है। लेकिन डी अपॉन डी एक्स क्या कर देता है ओड फंक्शन को, ये फंक्शन ओड है इसको इवन में चेंज कर देता है क्योंकि क्या हो गया 3x² हो गया, स्क्वायर जो है बच्चों एक्स स्क्वायर इसको रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों इवन फंक्शन बन जाएगा। तो कहने का मतलब आपने यहाँ पर अगर ये वाला फंक्शन जो इवन था लेकिन डी अपॉन डी एक्स एक्स की एन इवन है तो इसको ओड बना देगा, और ओड फंक्शन और इवन फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन क्या आती है बच्चों फर्दर ओड ही फंक्शन आएगी, तो यहाँ पे हमेशा जो है फंक्शन क्या रहेगा ओड ही फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो फंक्शन कैसा है ये ओड फंक्शन हमारा रहेगा। तो हमेशा इसकी वैल्यू भी बच्चों मोमेंटम की एवरेज वैल्यू भी क्या आएगी जीरो आएगी। रीजन समझ में आ गया होगा, तो बहुत सिंपल वे में ये जो है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स और मोमेंटम की वैल्यू सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में क्या रहती है बच्चों जीरो आती है। सिंपल वे में हम इसको जो है इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन जो ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है जीरो होता है। इसके बाद कुछ और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे बच्चों, इसमें इतना ही।